वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। बिग बॉस का सीजन 14 शुरू हो चुका है, साथ ही शुरू हो चुका है कंटेस्टेंट्स के बीच का दंगल, जिसका फैंस खूब मजा ले रहे हैं। बिग बॉस के घर में रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे शुरू हो जाता है विवाद। अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है, क्योंकि बिग बॉस का नाम और काम ही है कंट्रोवर्सी करना और फैलाना। लेकिन इस बीच बिग बॉस के घर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शहनाज गिल के दिल के कर दिए हैं टुकड़े टुकड़े। जी हाँ, हम बिग बॉस की सीजन 13 की पंजाब की कटरीना शहनाज की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जमकर रोमांस किया था और खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब ऐसे में उनके सिद्धार्थ की शादी बिग बॉस के घर में किसी और से हो जाए तो शहनाज का दिल टूटना तो बनता ही है। जी हाँ, बिग बॉस कोई टास्क देते हैं तो उसके पीछे हमेशा कोई दिलचस्प मोड़ होता है। इस बार फ्रेशर्स को सबसे अनूठा काम दिया गया है, उन्हें सीनियर्स के खिलाफ खड़ा होना है और घर के हालात बदलने हैं। बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क का ऐलान किया है और खुलासा किया है कि हर कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है। आज से हर टास्क जीतने वाला कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन से सेफ रहेगा। इस नए टास्क का नाम ज्वेल थीव है। इसमें गौहर खान और हिना खान के दिलों को जीतना है, जिसमें कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से ही कंपटीशन करेंगे। ज्वेल थीव टास्क को पवित्रा पुनिया पढ़ती हैं, जिसमें बताया गया है कि फ्रेशर्स को अपने सीनियर से ज्वेलरी जीतकर उन्हें कैसे खुश करना है। इस टास्क में जिसके पास सबसे ज्यादा ज्वेलरी होगी वो नॉमिनेशन से बच जाएगा। जैसे ही टास्क शुरू होता है, सिद्धार्थ, गौहर और हिना अपनी अपनी टीमों को निर्देश देती है। टास्क शुरू होने से पहले ही गौहर और सिद्धार्थ इस बारे में लड़ने लगे कि नियमों का ऐलान का क्या मतलब है। हिना ने अपनी ज्वेलरी शहजाद को सौंप दी, जबकि गौहर ने सिद्धार्थ से लड़ना शुरू कर दिया और चिल्लाया कि टास्क नए सिरे से शुरू होना चाहिए। बाद में गौहर और सिद्धार्थ ज्वेलरी की चोरी हो जाने के बाद एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं, जिसका बीच बचाव एजाज खान करते हैं। सिद्धार्थ ने एजाज को कहा, आपने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, और उसने जवाब दिया, हम आपके हैं कौन, हम नहीं कह सकते हैं। टास्क का बेसिक रूल ये है कि आप चोरी करेंगे फिर हमें इम्प्रेस करेंगे। इसी तकरार के बीच गौहर ने सिद्धार्थ की टांग खींचते हुए कहा कि निक्की तंबोली और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैस्मीन निक्की से पूछती है कि क्या उसका सपना है कि वो सिद्धार्थ से शादी करें। इस सवाल के जवाब में निक्की ब्लश करने लगती हैं और सिद्धार्थ भी तुरंत बोल पड़ते हैं, ऐसी लड़की उनकी बीबी बन सकती है। फिर क्या था, निक्की और सिद्धार्थ की ये बात वायरल हो गई और सिद्धार्थ शुक्ला की शादी को लेकर बातें होने लगी। खबर तो यहाँ तक आई कि बिग बॉस के घर में निक्की और सिद्धार्थ शुक्ला की शादी होने वाली है। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंची, शहनाज गिल के साथ साथ उनके फैंस के दिल टूट गए। अब बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ और निक्की की शादी होती है या नहीं, उसे देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट, ताकि आप रह सकें बिग बॉस की हर अपडेट से अपडेट।